भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आखिरकार बारिश के चलते रद्द हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने भारत पर जहर उगला तो हार्दिक पांड्या ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो कुछ भी कहा वह शायद आपका भी दिल जीत लेगा। तो चलिए बताते हैं पूरे बयान के बारे में। लेकिन अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का टॉस भारतीय टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत हालांकि धीमी रही, लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन के स्कोर पर ही शाहीन अफरीदी की गेंद पर चकमा खा गए और अंदर आई हुई गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को पहला झटका सिर्फ लग चुका था सिर्फ 15 रन के स्कोर पर ही, और ऐसे में भारतीय टीम के लिहाज से यह बेहद बड़ा झटका था। हर एक भारतीय फैंस था काफी ज्यादा उदास था, लेकिन सभी की उम्मीदें थी विराट कोहली के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की में हमेशा से ही दम करते आए थे। लेकिन विराट ने नसीम शाह की गेंद पर आते ही एक शानदार कवर ड्राइव तो खेला, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर विराट कोहली भी सिर्फ 4 रन के स्कोर पर ही बोल्ड हो गए। सिर्फ 29 रन के स्कोर पर ही दो बड़े विकेट शहनशाह अफरीदी ने आउट कर दिए थे, जिसके बाद हर एक भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर को 14 रन के स्कोर पर रऊफ ने अपना शिकार बनाया, और उसके बाद आपको बता दे कि शुभमन गिल सिर्फ 10 रन के स्कोर पर ही रऊफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारतीय टीम ने 66 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे, और यहां से ऐसा लग रहा था कि भारतीय में एक तरफा इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बेहद ही शानदार अंदाज में एक साझेदारी बनाई। ईशान किशन तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के की भी बरसात कर रहे थे। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे। पहले ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बखूबी साथ देते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम लगभग 200 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, और दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम था कि उनके सामने हर एक पाकिस्तानी फैंस का सर झुक गया था। भारतीय खेमा पूरी तरह से खुश था। उसके बाद आपको बता दे कि ईशान किशन 81 गेंद में 82 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उन्होंने एक के बाद एक शानदार चौके और छक्के लगाते हुए लगभग 40 ओवर में टीम का स्कोर 220 से भी ज्यादा पहुंचा दिया था, और हार्दिक पांड्या 81 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम इस मुकाबले में 266 रन तक पहुँच गयी, और उसके बाद बारिश हो गयी, जिसकी वजह से बारिश के चलते खेल शुरू ही नहीं हो सका। काफी लंबे समय तक इंतजार किया गया, लेकिन बारिश ने रोकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन उसके बाद मैच को ड्रॉ तो कर दिया। इसके बाद बाबर आजम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारी गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर ज्यादा घमंड था। दिन में तारे हमारे गेंदबाजों ने दिखा दिए। मुझे लगता है अगर बारिश रुक जाती और इस मुकाबले को दोबारा शुरू कराया जाता तो आसानी से भारतीय टीम के घमंड को हमारी टीम चकनाचूर कर देती। साथ ही आपको बता दे कि शाहीन अफरीदी ने भी अपना बयान जारी करते हुए भारतीय टीम की आलोचना करी। उन्होंने कहा, वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाज समझने वाले बल्लेबाजों को मेरी गेंद दिख भी नहीं रही थी। इससे अंदाजा हो गया होगा भारतीय टीम को कि पाकिस्तान टीम किस तरह की टीमों में शुमार है। शाहीन ने कहा, एक तरह हमारी टीम इस मुकाबले को जीती थी। भारत की किस्मत ने आज साथ दिया, इसलिए वह आज बच गए। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रिजवान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अगर मुकाबला शुरू होता तो पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत जाती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा मजबूत है। इन सभी का पलटवार करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा कि जिस तरह की यह पिच थी, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी टीम ने बहुत रन बना दिए थे। इस पिच पर तेज गेंदबाजों को इतनी ज्यादा मदद थी कि गेंद हवा में हल भी रही थी और गेंद में काफी ज्यादा उछाल भी था। हार्दिक पांड्या ने कहा कि पाकिस्तान के पास तो 3 तेज गेंदबाज थे, जबकि हमारे पास तो 4 तेज गेंदबाज थे। अगर पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता, जब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा देते, सिर्फ गेंदबाजी कर खाली पुलाव पकाने से जीत नहीं मिल जाती, में 100% दावा कर सकता था कि पाकिस्तान की टीम को हम इतने ही स्कोर में पटखनी दे देते। इस तरह से हार्दिक ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती अगर मैच होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए।